आज आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ भी है। इस मौके को और यादगार बनाने के लिए मैं कुछ स्वागत आपके सामने लेकर आया हूँ। जयपुर की पहचान का एक हिस्सा रामगढ़ बांध रहा है। समय के साथ बनी परिस्थितियों में रामगढ़ बांध सूख गया, इसके अस्तित्व पर संकट आ गया। अब मैं घोषणा करता हूँ जयपुर की पहचान रहे रामगढ़ बांध को ERCP के तहत इसरता बांध से पानी लाकर भरा जाएगा। इस पर 1,250 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये जयपुर जिले के आंधी, जम्बा, रामगढ़, आमेर, जालसू, गोविंदगढ़, शाहपुरा, विराटनगर, बावटा, कोटपुतली ब्लॉक, अलवर जिले के थानागारी, बांसुर ब्लॉक हेतु पेयजल योजना बनाई जा सकेगी। 13 जिले की महत्वपूर्ण पूरी राजस्थान नहर परियोजना ERCP की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाई गई DPR में 26 डैम शामिल किए गए थे। अब ERCP के वर्तमान DPR में कई बांध वंचित रह गए थे। अब मैं घोषणा करता हूँ कि दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर, अलवर जिले के 53 बांधों को ERCP से जोड़कर उन्हें भरा जाएगा। इससे ERCP की परियोजना लागत 1,665 करोड़ रुपये बढ़ जाएगी और 13 विधानसभा क्षेत्रों के 11 लाख किसान लाभान्वित हो सकेंगे। वर्तमान में लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA में भारत सरकार द्वारा अधिकतम लाभार्थी सीमा सुनिश्चित की गई है, जिसे कई जरूरतमंद परिवार NFSA के लाभों से वंचित रह जाते हैं। मैं इस मौके पर घोषणा करना चाहूँगा, कोविड के दौरान मैंने निराश्रित परिवारों का जो डेस्टिट्यूट है सर्वे करवाया था। करीब 33 लाख NFSA एवं नॉन NFSA परिवार को मैंने 5 किस्तों में 5,500 रुपये कोविड के दौरान मैंने उनको DBT की थी 5 बार। अब मैं घोषणा करता हूँ कि NFSA परिवार के साथ साथ नॉन NFSA परिवार को कोविड में आर्थिक सहायता दी गई थी, उन्हें आज से शुरू हो रही अन्नपूर्णा राशन किट योजना में निःशुल्क किट उपलब्ध कराने के लिए मैं घोषणा करता हूँ।